बाबू फर्स्ट एड इन माइंस जो आपके एसीसीएल के सिलेबस में, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू ले रहे हैं, 8-10 को एमसीक्यू रहेगा, और जो फर्स्ट एड इन माइंस वाला एक वीडियो भेजे हैं, उस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा तो आपको समझ आएगा। और फर्स्ट एड इन माइंस का एक मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, उसको भी देखिएगा, उसमें 3 वीडियो है। अब मान लो एक एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको या एग्जाम में, विच आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एड रूम, 5 यहां बात लिख दी और ऑप्शन दे दी कि इनमें से कौन से सही है, ठीक है, तो आपको गलत पकड़ना होगा। तो ये फर्स्ट एड रूम से संबंधित 5 बात लिख दी और आपको बताना है कि कौन सही है, ठीक है। तो 2 लाइन में पहले हम फर्स्ट एड रूम क्या होता है उसको बता दे, तब ना आप यहां गलती पकड़ेगा। गलती बच्चा लोग कहां करता है वो देखिए, पहली बात कि फर्स्ट एड रूम कब प्रोवाइड करना है, पहला बात क्या बोला, फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड कब करना है। यहां पे बच्चा गलती करता, बच्चा ये 150 को देखेगा क्योंकि ऊपर के गया था मोर देन 150 और गलत बात को भी सही लिख देगा, जबकि हम यहां जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। आपका माइंस रूल्स का रूल 43 का सब रूल 1 क्या बोलता है, एट एवरी माइन इंप्लॉइंग मोर देन 150% ऑन एनी वन डे ऑफ द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन ये सुटेबल फर्स्ट एड रूम इन ए गुड ऑर्डर, ऐसा बोलता आपका सब रूल 1 अब रूल 43। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी माइंड में पिछले साल प्रीसीडिंग कैलेंडर मतलब पिछला कैलेंडर ईयर्स में, पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन यदि 150 से ज्यादा आदमी इंप्लॉयड थे तो आपको आने वाले साल में उस माइन में फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड और मेंटेन करना होगा, ये बोलता है। अब हम क्या लिख दिए, देखिए ये गलत लिखा है, क्या लिखा, एफआईआर मतलब फर्स्ट एड रूम शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन व्हेन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्संस आर मोर देन 150। कहीं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का जिक्र है आपके 43 में, क्योंकि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बहुत बार रूल रेगुलेशन में आता रहता है, एक्ट में आता है, तो बच्चा लोग ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड लिख दिया तो इसको क्या सोचेगा कि ये करेक्ट है, करेक्ट है कि वहां से क्या बोला कि क्या बोला, एट एवरी माइन इंप्लॉइंग मोर देन 150% ऑन एनी वन डे ऑफ द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन ए गुड ऑर्डर ए फर्स्ट एड रूम, ऐसा बोला है। मतलब पिछले साल किसी एक दिन में भी 150 आदमी आपके माइंड में काम किए थे तो अगले साल आपको फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करना, 150 से अधिक आदमी मोर देन 150, 150 से अधिक आदमी यदि काम पर लगाए गए थे किसी एक दिन में भी तो भी करना, ऑर्डिनरी इंप्लॉयड नहीं वर्ड है। और हमने यहां क्या डाल दिया, ओ ही मतलब ऑर्डिनरली इंप्लॉयड पर्सन सा मोर देन 150। अब बच्चा लोग मोर देन 150 देख लेगा, सोचेगा ठीक है तो लिखा ही, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता, दूसरा फर्स्ट एड रूम का प्रोविजन बोलता है कि फर्स्ट एड द फ्लोर एरिया ऑफ फर्स्ट एड रूम, आप द फ्लोर एरिया स्पेस बोल सकती है, फ्लोर स्पेस बोल सकती है, नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर मीटर से, मीटर स्क्वायर से कम नहीं रहेगा, 10 मीटर स्क्वायर नहीं बोलता है, 10 स्क्वायर मीटर यदि बोला तो मतलब एकदम एग्जैक्ट 10 स्क्वायर मीटर होगा, न कम न ज्यादा। और नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर लिखा है, इसका यह मतलब है बाबू कि कम से कम 10 मीटर से कम नहीं रहेगा। अब 11, 12, 14, 18, 20, 30, 40, 500 स्क्वायर मीटर का बनाइए, आपको ये रूल
रोकता नहीं है, लेकिन यदि आपने 10 स्क्वायर मीटर यदि लिख दिया रूल में तो आप 11 स्क्वायर मीटर का नहीं बना सकते। आप प्रपोजल बनाइएगा, प्रपोजल को पाने से फेल कर देगा, रिटर्न कर देगा, क्या बोलेगा आपका रूल 10 स्क्वायर मीटर बोलता है, आप 50 स्क्वायर मीटर का काहे बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बोलता है रूल कि द फर्स्ट एड रूम शैल हैव ए फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां क्या लिखा है, फ्लोर एरिया फर्स्ट एड रूम 10 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखा है क्या रूल में? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? फ्लोर एरिया फर्स्ट एड रूम नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और इस फर्स्ट एड रूम में आपको सेकंड शेड्यूल माइंस रूल्स के सेकंड शेड्यूल में जो इक्विपमेंट दिए हैं, जो साजो सामान दिए हैं, उनको रखना है। क्या बोला? सेकंड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में क्या रखते हैं? जो फर्स्ट एड स्टेशन में सामान रखे जाते हैं वो थर्ड शेड्यूल के अनुसार, फर्स्ट एड रूम में सेकंड शेड्यूल के अनुसार। फर्स्ट एड रूम कहां बनाया जाता है? ये माइन के सरफेस पर बनाया जाता है। लेकिन ये भी बात है कि यदि आपके पास डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका फर्स्ट एड रूम है आपके पास, ठीक है। मतलब रूल 43 का पालन हुआ माना जाएगा, ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट एड रूम, जैसे फर्स्ट एड स्टेशन होता है, वो फर्स्ट एड स्टेशन इंचार्ज के कंट्रोल में रहेगा, अंडर कंट्रोल रहेगा। वैसे ये फर्स्ट एड रूम है तो फर्स्ट एड रूम किसके चार्ज में रहेगा, किसके अंडर कंट्रोल में रहेगा? द फर्स्ट एड रूम शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, QMP लिखा, मतलब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर, यार सीधा बात, एक डॉक्टर साहब के चार्ज में रहेगा आपका फर्स्ट एड रूम, मतलब ये ठीक लिखा हुआ बात है, ठीक है। और यदि ऑर्डिनरी, यहां पर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, यहां बच्चा लोग ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड नहीं देखेगा, क्या बोलता है? ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन इन अ माइन इज मोर देन 1000, यदि माइन में है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन 1000 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 1000, यहां पर ऑर्डिनरली है, 1000 वाला जो फिगर है उसके साथ ऑर्डिनरली वर्ड जुड़ा हुआ, वर्ड 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 बोल दिया लगता है। ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन इन अ माइन इज मोर देन 1000 पर्सन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी अ होल टाइम एम्प्लॉय, और यदि 1000 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है आपके माइंड में तो वो जो फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज होगा, डॉक्टर साहब होगा, ही विल बी ए फुल टाइम एम्प्लॉय, होल टाइम एम्प्लॉय मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय मतलब 24 घंटा जो है आपको डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए फर्स्ट एड रूम में। तो क्या एक आदमी का रखे हैं क्या 24 घंटा? आपका नौकरी लगा दे 24 घंटा ड्यूटी कीजिएगा? नहीं, आपको एक से अधिक डॉक्टर रखना होगा। डॉक्टर ना बोल रहा कि पर्टिकुलर बोल रहा है शुभम गुप्ता को रखना है करके, डॉक्टर शुभम गुप्ता 24 घंटा ड्यूटी करेगा, ऐसा बोला क्या रूल ने? रूल क्या बोलता है कि डॉक्टर के अधीन रहेगा फर्स्ट एड रूम, और यदि 1000 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है तो डॉक्टर जो रहेगा वो होल टाइम एम्प्लॉय रहेगा, फुल टाइम मतलब 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। आप शिफ्ट लगा दीजिए 3 शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में शुभम गुप्ता डॉक्टर शुभम गुप्ता, बी में डॉक्टर परिमल, और सी में लगा दीजिए डॉक्टर मेहरा को, अरे अंदाजी में नाम बोले हमने, ठीक है। ये कहने का मतलब है एक डॉक्टर 24 घंटा ड्यूटी करने के लिए ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब उस जो सिर्फ डॉक्टर ही होल टाइम एम्प्लॉय रहेगा, जो फर्स्ट एड रूम में आपका नर्स है, ड्रेसर है, कंपाउंडर है, दे आर आल्सो फुल टाइम एम्प्लॉय, मतलब होल टाइम एम्प्लॉय 24 घंटा, मतलब डॉक्टर नर्स फर्स्ट एड रूम में रहेंगे, ये बोलता है। अब एक ही को नहीं रखने के लिए बोल रहे, अब अरे नर्स चाहे सिस्टर मीना हो चाहे सिस्टर जीना हो, हमको नर्स से मतलब है। कोई कंपाउंडर है मिस्टर श्याम चाहे मिस्टर राम, हमको उससे क्या लेना, हमको ड्रेसर से मतलब है, नर्स से मतलब है रूल को, ठीक है। तो जो भी नर्स ड्रेसर कंपाउंडर अपॉइंटेड इन फर्स्ट एड रूम शैल आल्सो बी अ होल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है।
तो ये दोनों तीनों जो बात है ऊपर की ठीक लिखिए और ये दोनों बात गलत लिखिए। और यहाँ पे हम ऑप्शन दे देंगे आपको कुछो कुछो की, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सभी करेक्ट है। तो करेक्ट क्या था, ए बी एंड सी आर करेक्ट, दीज आर द करेक्ट एंड दिस टू इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ऐसा रूल में नहीं लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट लेवल बोलते हैं, इन ए डेवलपमेंट पैनल, एक डेवलपमेंट पैनल है, वन पर्सन गॉट इंजर्ड ड्यू टू साइट फॉल, साइट फॉल के कारण एक डेवलपमेंट पैनल में एक आदमी को इंजुरी हो गया। ठीक है, हु सेल प्रोवाइड सुटेबल अरेंजमेंट फॉर स्पीडी रिमूवल ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम माइंड टू हॉस्पिटल फॉर गुड ट्रीटमेंट। तो कौन जिम्मेदार होगा कि उस घायल व्यक्ति को उस डेवलपमेंट पैनल से ट्रीटमेंट के लिए माइंड से लेकर के कहां तक, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या फर्स्ट एड रूम तक स्पीडी मतलब बहुत जल्दी उसको पहुंचाया जाए ताकि उसकी कंडीशन एग्रावेट होने से बचे। कौन जिम्मेदारी, कहां से पूछा ये, रूल 40 कल बताया था, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन फर्स्ट एड कामा एटसेट्रा, ऐसा बताए थे रूल 40 फर्स्ट एड इन माइंस वाले वीडियो में, उसमें बताया था एटसेट्रा भी है बेटा, ऐसा बताए होंगे स्टार्टिंग में एटसेट्रा है। तो ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन फर्स्ट एड के बारे में आई है कि ओनर एजेंट और मैनेजर हर आदमी मतलब फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे, ये पहला बात था। एटसेट्रा में दो बात बताए थे कि यदि कोई भी आदमी माइंड में बीमार हो जाए या घायल हो जाए, मार चोट लग जाए, उसका माइंड से हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या फर्स्ट एड रूम तक स्पीडी रिमूवल के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ओनर एजेंट आर मैनेजर। और ये जो स्पीडी रिमूवल के लिए क्या व्यवस्था रखेंगे, प्रॉपर एम्बुलेंस वैन के थ्रू करेंगे, मतलब एम्बुलेंस वैन की जिम्मेदारी भी किसकी है, ओनर एजेंट आर मैनेजर की। स्पीडी रिमूवल ऑफ पर्सन की भी जिम्मेदारी किसकी है, ओनर एजेंट आर मैनेजर की। ठीक है, और ये भी बताया था कि यदि ऐसा होता है आपके पास कि हर समय आपका एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रह पाता है तो आपका एक सुटेबल मोटर व्हीकल प्रोवाइड करना है जिसमें बीमार व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को सुला करके इन सुपाइन पोजिशन ऑन स्ट्रेचर, ऐसा लिख बताए होंगे किसको लेट करके, लेटा करके स्ट्रेचर पर लेटा करके हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, ऐसी व्यवस्था आपको रखना है। ठीक है, तो अब ऐसा घटना घट गया है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, काहे के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, सुटेबल अरेंजमेंट फॉर स्पीडी रिमूवल ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम माइंड टू हॉस्पिटल फॉर गुड ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन, अब हमने ऑप्शन दे दिया, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ओआर मैन, माइनिंग सलार, ये सब दे दिया हमने ऑप्शन। कहीं आपका रूल 40 असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बोलता है, माइनिंग सलार, ओआर मैन के बारे में बोलता है कि स्पीडी रिमूवल के नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ओनर एजेंट आर मैनेजर। तो अब आपका नौकरी लग जाएगा, बोले पहले सर बताया था कि ओनर एजेंट आर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मैं तो नहीं हूं, आपका ओनर एजेंट या मैनेजर मतलब मैनेजर जो आपको आदेश देगा आप ही ना उनको खबर कीजिएगा, तब ना मैनेजर को, भगवान ही ना है कि उसको पता होगा, तो मैनेजर को आप खबर दीजिएगा तो आपको आदेश देगा कि उसको फट से लेके जाइए, लेकिन जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार है मैनेजर, करना आप ही को है। लेकिन रूल 40 के अनुसार हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ओनर एजेंट आर मैनेजर। जहां पर भी ओनर एजेंट आर मैनेजर लगता है वहां पर मैनेजर की सारी जिम्मेदारी होगी, इसीलिए हम जानबूझ के मैनेजर वर्ड डाले यहां। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का नहीं है, ओवरमैन का नहीं है, मानिक सदार का नहीं है, किसका है, मैनेजर की, मतलब ओनर एजेंट आर मैनेजर की। एम्बुलेंस प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी, ओनर एजेंट आर मैनेजर का। मेरा एक वीडियो है जो नए बच्चे उनके लिए बोल रहा हूं, जो मेरा चैनल देखते उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, ओनर एजेंट आर मैनेजर, ओनर एजेंट एंड मैनेजर क्या डिफरेंस है, सर्च कीजिएगा ना, ओनर एजेंट आर मैनेजर एंड ओनर एजेंट एंड मैनेजर बाय गुणवंत बेले, आपको आ जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, या सीएमआर के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ये हो गया। ठीक, हु सेल नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन,
who shall not require to carry first aid kit or to hold, मतलब ये इतना जो है दोनों के लिए यहां तक का, ठीक है। Who shall not require to carry first aid kit, पहले इतना कि किसको first aid kit नहीं लेके जाना है। दूसरा दो क्वेश्चन डाल दिए, Who shall not require, फिर उसके बाद यहां से पड़ेगा टू होल्ड क्वालिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एड, और किसको फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं करना है। फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन कहां दिया है, रूल 41 में दिया है। रूल 41 में क्या दिया है, नो पर्सन अदर देन क्वालिफाइड नर्स ड्रेसर कंपाउंडर कम नर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर आर सर आर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर शैल रेंडर द फर्स्ट एड ऑफ द इंजर्ड पर्सन, इतना ही लिखा है रूल 41 में, ठीक है। लेकिन आपका रूल 45 है, क्या है, केयरिंग ऑफ फर्स्ट एड आउटफिट बाय ऑफिशियल्स, किन ऑफिशियल्स को रूल 41 में दी गई क्वालिफिकेशन रखना है और किनको फर्स्ट एड किट लेकर के चलना है। तो दोनों को एक के साथ ले लिया, किनको किनको लेके चलना है, किनको किनको लेके चलना, वहां कहीं आपको हम फर्स्ट एड इन माइंस वाले वीडियो में वेंटिलेशन अफसर बताए, सेफ्टी अफसर बताए, असिस्टेंट मैनेजर बताए, जब नहीं बताया तो ओकरा कहे अब टिक कर रहा है, बताए क्या, हम क्या बताए थे वहां पे, ओवरमैन और ओवरमैन की इक्विवेलेंट स्टेटस वाले को मेटल में बोलते फोरमैन, तो ओवरमैन फोरमैन, माइनिंग सरदार, माइनिंग सरदार के इक्विवेलेंट स्टेटस वाले को मेटल में बोलते हैं मेट, ब्लास्टर, ब्लास्टर मेटल में बोलते हैं, उसी को कोल माइंस में बोलते हैं शॉट पर, मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन, इतना ही ना बताए, इतने आदमी को माइन में फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन होल्ड करना है जो कि रूल 41 में बताया है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए करके, वो फर्स्ट एड स्टेशन का इंचार्ज रहेगा, तो यही व्यक्ति फर्स्ट एड स्टेशन के इंचार्ज रहेंगे, बाकी और कोई नहीं रहेगा। और ये जितने अभी हम नाम बताए इनको क्या लेके चलना है, अपने ड्यूटी के दौरान फर्स्ट एड किट साथ में रखना। फर्स्ट एड किट में क्या बताए थे बाबू, फर्स्ट एड इन माइंस वाला वीडियो जाके देखिएगा, वहां पर लंबा बताया है, तीन को सामान लेने रखना है, अरे पट्टिया रखना है, वन लार्ज स्टरलाइज ड्रेसिंग, वन स्मॉल स्टरलाइज ड्रेसिंग, और एक एन एम्पूल ऑफ टिंचर और आयोडीन और अदर सुटेबल एंटीसेप्टिक, ठीक। ये स्टेचुटरली है, अब कैंची भी कई बार आपको दे देता है तो कैंची दे देगा काई के पट्टी काटने के लिए, वो स्टेचुटरली नहीं है, ठीक है। और बाकी दवाइयां देने का फर्स्ट एडर को काम नहीं है, ना उसकी जिम्मेदारी है, ना आप उसके लिए ट्रेंड है, उसके लिए ट्रेंड है मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। दवा पवा किसी को नहीं देना गलती से, ठीक। तब यह बताइए, हु शैल नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी फर्स्ट एड किट और हु शैल नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन, मैकेनिक का नाम बोला कि नहीं बोला बेटा, तो यह है, इलेक्ट्रिशियन का बोला कि नहीं बोला, सबसे आखिर में यही तो नाम थे, बोला, सेफ्टी अफसर असिस्टेंट मैनेजर बोला क्या, नहीं बोला, तो ये नाट वाला था, किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सी और डी को फर्स्ट एड किट लेकर के नहीं जाना है, इनको फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन नहीं रखना, तो आंसर क्या हुआ आपका, सी एंड डी, ठीक है। किनको किनको लेके जाना है, ये फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन किनको किनको रखना है, ओवरमैन फोरमैन माइनिंग सरदार मेट सटपारर ब्लास्टर मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिशियन। तो अब गलती कीजिएगा क्या, नहीं ना, तो नेक्स्ट लेते एक दो और।